नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञा हेल्थ एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सेक्स रिलेटेड जानी जाने वाली तमाम बीमारियों में से एक है नाइटफॉल, यानी सुपन दोष की बीमारी। सोते समय वीर्य के निकल जाने को नाइटफॉल कहते हैं। युवावस्था में नाइटफॉल होना एक आम बात है। सोने के बाद स्वतः ही वीर्यपात हो जाने को नाइटफॉल के नाम से जाना जाता है। नाइटफॉल खुद में कोई रोग न होकर एक प्राकृतिक क्रिया है। किशोरावस्था से युवावस्था की ओर बढ़ते हुए नव युवक अनेक कारणों से नाइटफॉल की समस्या के शिकार हो जाते हैं। नाइटफॉल से परेशान युवकों को यौनी रुचि, अश्लील विचार, अश्लील किताबों को पढ़ने से या ऐसी कोई फिल्म देखने से उत्तेजित हो जाते हैं और ऐसे में दिन या रात में सोते समय नाइटफॉल हो जाता है। दोस्तों, नाइटफॉल अनेक कारणों से होता है, जैसे हस्तमैथुन, मानसिक मैथुन, प्राकृतिक विरुद्ध मैथुन, उष्ण आहार, अश्लील वातावरण और मादक चीज़ों का अधिक सेवन से नाइटफॉल हो जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ किशोर कम उम्र में अपने से बड़ी उम्र की औरतों की काम वासना करते हैं। जब उनकी काम वासना नहीं पूरी होती है तो नाइटफॉल का शिकार हो जाते हैं। अगर महीने में एक या दो बार हो जाए तो घबराना नहीं चाहिए। वैसे तो नाइटफॉल की बीमारी विवाह के पश्चात लगभग समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी समय रहे तो इलाज अवश्य ही कराना चाहिए। अगर महीने में दो से अधिक बार नाइटफॉल हो जाए तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, आइए जानते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले, मेरे चैनल पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आगे कोई वीडियो डालूं तो वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जानते हैं सुपन दोष के क्या कारण होते हैं, कॉज ऑफ नाइटफॉल। नंबर एक, अश्लील कल्पनाएं। नाइटफॉल के प्रमुख कारण अश्लील चिंतन, अश्लील फिल्म देखना व नारी स्मरण है। वासनात्मक ख्याल या मन में कम वासना को स्वप्न दोष के कारण बनते हैं। हालांकि कई बार बिना सेक्स के बारे में सोचे भी नाइटफॉल हो सकता है। नंबर दो, साथी से दूरी। कभी कभी प्रेमिका या पत्नी से किसी कारण काफ़ी समय तक दूर हो जाने पर भी नाइटफॉल प्रारंभ हो सकता है। प्रेमी प्रेमिका का आपस में प्रबल आकर्षण होने पर भी स्वप्न दोष हो जाता है। देर से शादी होना भी इसका एक कारण हो सकता है। खराब खानपान और पेट में कब्ज। पेट में कब्ज रहना व नाड़ी तंत्र की दुर्बलता भी इस समस्या के होने का कारण बन सकती है। साथ ही ज़्यादा मिर्च मसालों का प्रयोग, सुखादु व गरिष्ठ भोजन तथा विलासपूर्ण रहन सहन भी इस समस्या के लिए उत्तरदायी है। सोने से पहले ज़रूरत से ज़्यादा भोजन भी इसका कारण हो सकता है। नंबर चार, मिल्क प्रोडक्ट का अधिक सेवन। अधिक मात्रा में घी, दूध, मेवे, मिठाई या कई बार रात को अधिक गर्म दूध पीकर सोने के कारण पुरुषों में नाइटफॉल हो सकता है। खाना खाने के तुरंत बाद सो जाने से भी यह हो सकता है। मानसिक दबाव के कारण, कभी कभी अचानक भय लगने के कारण भी शरीर पर बहुत शिथिल हो जाता है, जिस कारण शरीर के अंग प्रत्यंगों की कार्यप्रणाली पर दिमाग का कंट्रोल कम हो जाता है। फलस्वरूप ऐसे में भी नाइटफॉल हो सकता है। नाइटफॉल या स्वप्न दोष से बचने के लिए कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। नाइटफॉल की चिकित्सा के लिए दवा से अधिक समय और विचारों को शुद्ध करना जरूरी है। खुद को अधिकाधिक व्यस्त रखना चाहिए। अकेले में रहने से नाइटफॉल से परेशान व्यक्ति को अश्लील विचार आते हैं। नाइटफॉल होने की आदत से पेट में कब्ज होने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, इसलिए स्वप्न दोष को रोकने के लिए इन कुछ बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। यह एक मानसिक बीमारी है, अतः मन को पवित्र रखें, ठंडे पानी से नहाएं, रात्रि को गर्म दूध न पिएं, रात्रि को सोने से पूर्व अपने पांव घुटनों तक ठंडे पानी से धोकर सोएं, उत्तेजना पैदा करने वाले साहित्य को न पढ़ें, सप्ताह में एक बार अस्तमैथुन कर सकते हैं, सोने से 3 घंटे पहले खाना पीना आदि कर
लें, हमेशा सीधे ही सोने की कोशिश करें। सोते समय कोई भी अच्छी पुस्तक पढ़ सकते हैं, जिससे सोते समय केवल अच्छे विचार ही मस्तिष्क में रहें। कब्ज होने पर तुरंत इलाज करवाएं। गुप्तांग के आसपास के बालों को बढ़ने न दिया जाए। डिनर के बाद पेशाब जरूर जाएं। गुप्तांग की चमड़ी को पीछे हटाकर रोजाना साफ करना चाहिए। रात्रि के सोने से पूर्व अंडरवियर खोलकर सोएं और बहुत हल्का या ढीला वस्त्र पहनकर हाथ पैर धोकर और सीधे कमर के बल सोएं, इससे नाइटफॉल नहीं होगा। नाइट फॉल या स्वप्न दोष से बचने के लिए घरेलू उपाय क्या कर सकते हैं? तो दोस्तों, यदि आपको नाइट फॉल की समस्या है तो इन घरेलू नुक्खों को अपनाएं और नाइट फॉल की परेशानी से छुटकारा पाएं। सोते समय 4 ग्राम मिश्री में कपूर मिलाकर कुछ दिन तक खाने से नाइट फॉल में लाभ होता है। बनारसी आंवले का मुरब्बा 1 ग्राम रोज खाएं, इससे गंभीर से गंभीर नाइट फॉल की समस्या ठीक हो जाएगी। इमली के बीज को भूनकर बराबर मात्रा में शक्कर मिलाकर रख लें और इस मिश्रण को गाय के दूध के साथ रोजाना पिए, इससे नाइटफॉल को रोकने में लाभ होता है। भोजन के बाद पके हुए केले में 2 से 4 बूंद शहद मिलाकर खाने से नाइटफॉल में लाभ होता है। इससे वीर्य में भी वृद्धि होती है। ताजे नीम के पत्तों को रोजाना चबाकर खाने से नाइटफॉल की समस्या जड़ से गायब हो जाती है। लहसुन की 3-4 कलियों को 4 ग्राम शहद के साथ सेवन करके 1 गिलास भैंस का गर्म दूध पिए, नाइटफॉल नहीं होगा। 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण शहद में मिलाकर सोते समय चाटने से नाइटफॉल को और धातु का बहना दूर हो जाता है। इस चूर्ण को गर्म पानी के साथ भी सेवन किया जा सकता है। तो तनाव और व्यस्त जीवन शैली के कारण यौन आनंद कई लोगों के लिए सपना बन गया है। अपने यौन जीवन को जीवित रखने और किक करने के लिए अगर आप चाहते हैं मेरे से कोई सलाह या सुझाव लेना चाहते हैं तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। और दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए जिससे आगे कोई टॉपिक डालूँ तो वो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों, अब लेता हूँ विदा, मिलते आगे किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।